हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएस टेक्निकल इन्फोसिस। इस चैनल में आपको बताएंगे कि आज हमारी हार्ड ड्राइव का पार्टीशन अगर कभी नहीं होता और हमें एक ड्राइव में बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ पार्टीशन इस तरीके से कुछ पार्टीशन है। हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे, ये डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा पार्टीशन है, ये हमारा पार्टीशन, इसमें हमें ऐड करना है सी ड्राइव में। तो हम कैसे ऐड करें और किस तरीके से ऐड करें, तो आप देख सकते हो कि हमें ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास अभी 180 GB SSD है, 1 TB हार्ड ड्राइव, तो 1 TB हार्ड ड्राइव हमने सिंगल पार्टीशन बनाकर है, और जो 180 GB SSD है उसमें हमने एक अलग से ड्राइव अनलोकेटेड है, हम इसे इसको उठा के हम सी ड्राइव में डालेंगे। तो कैसे डालेंगे आज आपको बताते हैं हम, आप देखते रहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, कुछ इस तरीके से सेटअप आ जाएगा। तो हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये हमें दोनों नहीं क्लिक करने, हम इसमें से एक ही क्लिक करेंगे जो कि हमारा मिनी पार्टीशन टूल विजार्ड फ्री करके आता है। तो हम इसमें से क्लिक हटा देंगे और नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर सी ड्राइव के अंदर इस नाम से इंस्टॉल हो रहा है, और हम इसे नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके और इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर, आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग हो रहा है सॉफ्टवेयर। अब ये इस तरीके से फिनिश हो गया है, तो हम फिनिश करेंगे। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको सी ड्राइव में हमें सी ड्राइव के अंदर हमें 40 GB ऐड करना है, और ये हमारी 1 TB है, तो 1 TB हम अलग ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो ये ड्राइव है, तो हम अब इसको, ये हमारी खाली ड्राइव है जो आप देख सकते हो, ये खाली ड्राइव है हमारी जो अनलोकेटेड थी, और ये हमारी 118 GB है जो हमारी सी ड्राइव। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम इस पर एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया पूरा टोटल 48 GB अनलोकेटेड। अब हम इस एरर को आप बढ़ाएंगे, जितना जा सकते हैं हम उतना लेंगे, 48 आप देख सकते हो। इस अगर हम हमें कम चाहिए, जैसे कि हम अगर कम चाहिए तो हम कम में लेंगे, और हमें ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा, जितनी GB हमें ऐड करनी है सी ड्राइव के अंदर हम उतनी GB इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये GB है, ये GB बढ़ रहा है, तो हमें पूरा करना है तो हम पूरा करेंगे और ओके पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो कि ये पूरा 167 करके आ चुका है, और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये हमसे पूछा है कि हम इसे क्या सी ड्राइव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे यस। ये कुछ इस तरीके से इसका पार्टीशन टोटली चला जाएगा सी ड्राइव के अंदर, आप देख सकते हो कि ये हो चुका है फिनिश। अब मैं आपको दिखाता हूं सी ड्राइव में जाके, ये देखो आप, अगर आप देख सकते हो तो ये सी ड्राइव में टोटल पहले थी 118 GB, अब आ चुकी है 167, जो कि हम डिवाइस मैनेजमेंट जाके देखेंगे। डिवाइस मैनेजर के अंदर डिस्क मैनेजमेंट में आए, आप ये देख सकते हो ये टोटल आ गया, ये टोटल में आ गया 167 ड्राइव। तो हम इस तरीके से इस वीडियोस को डबल पार्टीशन में दिखा रहे हैं आपको कि ये पार्टीशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें पार्टीशन निकालना है तो हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टोटली हम एक हमारे पास ऑप्शन है जो हम डिवाइस मैनेजर कर सकते हैं। अगर डिवाइस मैनेजमेंट नहीं हो पाता हमसे तो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था। ये सॉफ्टवेयर का नाम है, आप देख सकते हो, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड फ्री। ये
सॉफ्टवेयर होता है जो इसको कन्वर्ट करता है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारा अब ये देख सकते हो, हम रिफ्रेश करके दिखाएंगे आपको। अब ये टोटली सी ड्राइव बन गया है और डी ड्राइव हमारी दूसरी बन चुकी है। तो थैंक यू गाइज, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।